हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज मैं एक बार फिर से आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास को समझाया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जितने भी भाग हैं, कौन कौन इसके महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक हुए हैं, आज इस वीडियो में आपको इस चीज़ की पूरी जानकारी दूंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए हमसे और इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने चार भागों में बांटा गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। तो इसे मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। पहला काल है आदिकाल, इसे वीरगाथा काल के भी नाम से जानते हैं। ये 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक था। इसके बाद पूर्व मध्यकाल, इसे भक्तिकाल के नाम से भी जानते हैं, ये 1350 से 1650 ईस्वी तक रहा। इसके बाद उत्तर मध्यकाल, इसे रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं, ये 1650 से 1850 तक रहा। इसके बाद अगला है आधुनिक काल, इसे गद्यकाल भी कहते हैं, ये 1850 से अब तक चल रहा है। तो पहला कौन सा, आदिकाल है, और इसका जो सन था 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी है। तो इससे क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि वीरगाथा काल कौन सा समय था, या आदिकाल को और किस नाम से जानते हैं। तो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, और यह कब से कब तक रहा, ये 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक रहा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि भक्तिकाल में का समय कब से कब तक रहा। तो भक्तिकाल कब से, 1350 से 1650 ईस्वी तक रहा। कब से रहा, इसमें भगवान राम और कृष्ण की भक्ति पर आधारित कवि थे। कुछ कवि ऐसे भी थे जो प्रेम आश्रय धारा के थे, वो प्रेम को दर्शाते थे, भगवान की आस्था में श्रद्धा नहीं रखते थे। इसके बाद अगला काल है रीतिकाल। रीतिकाल का समय कब से कब तक रहा, रीतिकाल का समय 1650 से 1850 ईस्वी तक रहा। इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल कब से, 1850 है ये, 1850 ईस्वी से अभी तक जो चल रहा है, इसे ये आधुनिक काल है। इसमें पद्य के साथ साथ गद्य विधाओं का भी प्रचलन शुरू हुआ। इसमें गद्य विधाएं भी आ गई, कहानियां जैसे कि हो गई, इसके बाद निबंध हो गए, ये सब गद्य के अंतर्गत आते हैं। और बाकी जो काल थे ये मुख्यतः पद्य पर आधारित थे, सभी में पद्य रचनाएं अधिका में पाई जाती थी। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सभी कालों के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। तो आदिकाल के कौन से कवि हैं प्रमुख, अमीर खुसरो हैं, चंद्रवरदाई हैं, विद्यापति हैं, नरपतिनाल हैं और जगनिक हैं। तो ये जो हैं ये सभी आदिकाल के कवि हैं, और इन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी हैं, जैसे इनकी एक हालिक वारी, हालते कन्हैया, नजरायन हिंद। इसके बाद चंद्रवरदाई जी ने इनके बहुत ही प्रसिद्ध ये पृथ्वीराज रासो, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ये रचना तैयार की है, और ये पृथ्वीराज चौहान के राज्य के प्रमुख कवि थे और उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे। इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रवरदाई की प्रमुख रचना बताइए या आदिकाल के कवि का नाम बताइए। तो ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, चंद्रवरदाई इनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। इसके बाद अगला है विद्यापति। विद्यापति ने क्या लिखा, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो इसके बाद अगले नरपतिनाल, इन्होंने भी बीसल देव रासो लिखा, ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और ये भी पद्य पर, ये भी राजाओं के ऊपर आधारित है। इसके बाद जगनिक ने लिखा परमाल रासो। परमाल रासो आल्हा और उदल के ऊपर बनाई हुई रचनाओं का समूह है, ये भी वीर रस से भरा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भक्तिकाल की ओर। भक्तिकाल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। तो भक्तिकाल के पहले कवि कौन से हैं, तुलसीदास, इनकी रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, ये इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। इसके बाद कबीरदास हुए हैं, इनका बीजक, ये प्रेम आश्रयी शाखा के कवि थे, ये भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। इन्होंने साखी, सबद, रमैनी, ये तीन तरह की कविता रचनाएँ की हैं। इन्हीं के पूरे संग्रह को बीजक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बीजक किसे कहते हैं। तो बीजक कबीरदास की रचनाओं का समूह है, जिसमें साखी, सबद, रमैनी, इनकी सभी रचनाएं रखी गई हैं। इसके बाद अगली हैं मीराबाई। इन्होंने नरसी का मायरा और गीत गोविंद जैसी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं की हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है, बिहारी जी।
बिहारी जी ने कौन सी बिहारी सत्सई लिखी है, बिहारी लाल इनका नाम था, इन्होंने बिहारी सत्सई रचना लिखी है। इसके बाद अगले मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने पद्मावत व अखरावट ये दोनों बहुप्रसिद्ध उपन्यास लिखे रचनाएं लिखी हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं, आप लोग याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। और अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूँगा। और आप मेरे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं डेली आपके लिए 2 PDF फाइल प्रोवाइड कराता हूँ। वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगले रीतिकाल, रीतकाल में कौन कौन हुए, भूषण हुए हैं इनकी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, ये प्रमुख रचनाएँ हैं। इसके बाद अगले केशवदास, केशवदास में कौन है, चंद्रिका, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद अगले चिंतामणि, चिंतामणि की पिंगल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना, कई बार पूछी जा चुकी है। रसाविलास, कृष्ण चरित्र, ये इनकी रचनाएं प्रमुख रचनाएं। इसके बाद मतीराम, इनका रसराज, ललित ललाम, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं, ये कभी भी आप लोग देख लीजिए, रीतकाल के कवि हैं, तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। इसके बाद अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला है आधुनिक काल के कवि, तो आधुनिक काल में कौन कौन से कवि व लेखक हुए, ये क्योंकि गद्य का काल भी था तो इसमें कवि भी थे, लेखक भी थे, सब थे। तो इसमें पहले कौन से, रामधारी सिंह दिनकर, इनका क्या, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, रेणुका व हुंकार, रेणुका व हुंकार इनकी काफ़ी प्रमुख रचनाएं हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, धर्मवीर भारती, ये बहुत बड़े उपन्यासकार रहे हैं, इन मुर्दा का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, गुनाहों के देवता, ये ठेले पर हिमालय, गुनाहों के देवता कई बार एग्जाम में पूछा गया, UPTET में भी कई बार पूछा गया है। तो ये किसकी, धर्मवीर भारती की रचना है, और ये कब, आधुनिक काल के कवि हैं, कवि व लेखक हैं। इसके बाद अगले पर बढ़ते हैं, अगले हैं माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी बहुप्रसिद्ध कवि व लेखक रहे हैं, इनकी हिम तरिंगणी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई, व साहित्य देवता, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। इसके बाद अगले सुमित्रा नंदन पंत, ये चिदंबरा, कला कला और बूढ़ा चांद, युगवाणी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में एक झलक दिखाई है, और इससे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपको बता दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये भी बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक पर क्वेश्चंस लेकर आऊँगा मैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए SIM से, मैं इसके पहले मॉडल पेपर का एक सेट ला चुका हूँ और दूसरा सेट अभी चल रहा है, जिसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो के लिंक समय पर मिलते रहें। तो जुड़े रहिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।